नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूं आपके साथ महेश जैन। आज बात करते हैं नीमच पुलिस की, जहां आज 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर नीमच पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर द्वारा एक अभिनव पहल की शुरुआत करते हुए हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया गया। दरअसल सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर पुलिस कंट्रोल रूम नीमच पर एक समापन समारोह का आयोजन आज किया गया। इस समारोह में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों सहित पंचायतों के सरपंच, स्कूली छात्र छात्रा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। समापन समारोह में यातायात सप्ताह के दौरान यातायात विभाग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। एसपी राकेश सागर द्वारा हेलमेट बैंक का शुभारंभ करते हुए 29 पंचायतों के सरपंचों को हेलमेट व डायरी दी गई। अब जिले की इन ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को आने जाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट उपलब्ध रहेंगे। जब भी किसी ग्रामीण को वाहन पर सवार होकर कहीं जाना होगा तो वह ग्राम पंचायत में जाकर इस अनूठी पहल का फायदा लेते हुए हेलमेट लेकर सफर कर पाएगा और सफर पूरा होते ही वापस आकर उसको पंचायत में हेलमेट जमा कराना होगा। जो हमारा राष्ट्र 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है और उसमें हम लोगों ने पूर्व में भी ये बात को कही थी कि हम पूरा इस वर्ष जो है हम लोगों का जो है जनरक्षा अभियान के रूप में लेंगे और इसमें हम ग्राम पंचायत में 20-20 हेलमेट देने का हम लोगों का एक टारगेट बनाया है। आज से हमने प्रारंभ कर दिया है, तो आज हमारे पास जितने सरपंच साहिबान आए उनको हम दे रहे हैं और ये हम लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारा ये पूरा सभी हमारी जो ग्राम पंचायत हैं उनमें जब तक नहीं हो जाता है। और इसके साथ साथ हमने उनको एक प्रोसेस भी समझाई, आपको इशू कैसे करना है, एक फॉर्मेट भी बना के दिया है कि कोई जब आपके पास आता है, क्योंकि आपका ग्राम पंचायत का ही कोई रहेगा जो भी अगर डीडी आवश्यकता इसको है बाजार में आ रहा है, तो उसको उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर नोट करेंगे और उसको हेलमेट दे देंगे और टोकन मनी 50 रुपये रख लेंगे। जब वो वापस आएगा तो 50 रुपये उसको वापस कर देंगे और हेलमेट जमा करा देगा। मतलब ये व्यवस्थाएँ निःशुल्क रहेंगी। और ये चूँकि ये है कि अभी जो हम लोग आंकड़े देखे हैं यातायात के, खासतौर पर रोड एक्सीडेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा कैजुअल्टी हुई हैं, तो हम लोगों का ये मानना है कि हम अगर ग्रामीण परिवेश पे इसको लागू करते हैं तो चूँकि जो शहरी लोग हैं, हमारे शहरी साथी हैं, वो चूँकि काफ़ी अवेयर हैं और अगर उनको मोटिवेशन पहले मिलता है और चूँकि सुविधाएँ उतनी नहीं है, लेकिन अगर वो लगा रहा है लेकिन अब उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक स्कीम चलाई है और इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे और खास तौर पे सभी लोगों का इसमें सहयोग है। नीमच एसपी राकेश सागर द्वारा वाहन चालकों की सुरक्षा की दृष्टि से शुरू की गई इस हेलमेट बैंक की पहल की सभी तरफ जमकर सराहना हो रही है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंचों ने भी एसपी द्वारा शुरू की गई हेलमेट बैंक योजना की काफी सराहना की। यातायात सुरक्षा सप्ताह के इस समापन अवसर पर माननीय एसपी महोदय श्री सागर साहब के द्वारा जो एक अभिनव प्रयास किया गया और अभिनव पहल शुरू की गई है, ये वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय कार्य है। और जो इन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से हेलमेट बैंक खोलने का जो नवाचार किया है, ये वास्तव में बहुत ही बढ़िया है। और जो यहाँ आज के इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बताया है कि हेलमेट पहनने से जो सुरक्षा होती है, तो ये प्रत्येक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर से निकले तो सबसे पहले मोटरसाइकिल में चाबी लगाने से पहले हेलमेट लगाए, ये बहुत आवश्यक है, जिससे जान की सुरक्षा होगी और एक्सीडेंट कम होंगे और एक्सीडेंट में होने वाली मौत की संख्या कम हो जाएगी।